हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स। फर्स्ट इज मिलिट्री सर्विलेंस एंड टारगेट ट्रैकिंग। वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स कैन बी रैपिडली डिप्लॉयड फॉर सर्विलेंस एंड यूज्ड टू प्रोवाइड बैटलफील्ड इंटेलिजेंस रिगार्डिंग द लोकेशन, नंबर्स, मूवमेंट एंड आइडेंटिफाई ऑफ ट्रूप्स एंड व्हीकल्स, एंड फॉर डिटेक्शन ऑफ केमिकल, बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर वीपन्स। तो मिलिट्री सर्विलेंस मतलब आपने देखा होगा, आप गेम खेलते हो तो उसमें आप ये पता कर सकते हो कि कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही है कहीं पर, है कहीं पर वीपन्स तो नहीं है, इनको भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो मिलिट्री में क्या होता है कि ये पता करने के लिए किसी लोकेशन पे कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही है, या कोई पर्सन तो नहीं आ रहा है, कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है, या फिर केमिकल, बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर वीपन्स तो नहीं यूज़ हो रहे हैं उस लोकेशन में, तो उसको ट्रैक करने के लिए वायरलेस सेंसर नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। उस पर्टिकुलर लोकेशन में जिस पे हमें मॉनिटरिंग करनी है, उस लोकेशन पे सेंसर नोड्स को रख दिया जाता है जिससे ये सब ट्रैक किया जा सके। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कैन बी यूज फॉर एनिमल ट्रैकिंग, फॉरेस्ट सर्विलेंस, फ्लड डिटेक्शन एंड वेदर फॉरकास्टिंग। तो एनवायरमेंटल मतलब एनवायरमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे एनिमल्स को ट्रैक करना है, फॉरेस्ट की निगरानी करनी है, फ्लड डिटेक्ट करना है या वेदर फोरकास्ट करना है, तो इन सभी के लिए वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स का यूज़ किया जाता है। सम ऑफ द मेजर एरियाज वेयर वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स आर यूज्ड आर एज फॉलोस। तो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग जो है वो मेनली कहाँ पर यूज़ की जाती है, फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन। अ नेटवर्क ऑफ सेंसर नोड्स कैन बी इंस्टॉल्ड इन ए फॉरेस्ट टू डिटेक्ट व्हेन ए फायर हैज़ स्टार्टेड। सेंसर नोड्स मेजर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड गैसेस which are produced by fire in the trees. If the node detects fire, it sends an alarm message along with its location to the base station. फॉरेस्ट में फायर डिटेक्ट करना चाहते हैं कि कहीं फायर तो नहीं लगी है, तो उस केस में हम फॉरेस्ट में क्या करते हैं, सेंसर नोड्स को इंस्टॉल कर देते हैं। और ये जो सेंसर्स हैं, ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और गैसेस जो फायर लगने के बाद ट्रीज पे निकलती हैं, उन गैसेस को मेजर करते हैं। अगर इस टाइप की कोई गैस निकल रही होगी, इसका मतलब है कि फॉरेस्ट में आग लग चुकी है, तो उस केस में वो क्या करेंगे, ये मैसेज जो है बेस स्टेशन को प्रोवाइड करेंगे, और उस मैसेज के साथ वो लोकेशन भी भेजेंगे कि किस लोकेशन पे आग लगी है, जिससे उस फायर पे कंट्रोल किया जा सके। एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग। वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स हैव बीन डिप्लॉयड इन सेवरल सिटीज टू मॉनिटर द कंसंट्रेशन ऑफ डेंजरस गैसेस फॉर सिटीजंस। तो एयर पोल्यूशन मॉनिटर के लिए भी यूज़ किया जाता है, मल्टीपल सेंसर्स को सिटी में इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिससे क्या हो कि डेंजरस गैसेस जो निकल रही हैं उनको सेंस कर सके सेंसर, और अगर कहीं पर ऐसी कोई गैस मिल रही है जो डेंजरस है सिटीजंस के लिए, तो ये अलार्म जो है बेस स्टेशन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू उस पर कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट इज लैंडस्लाइड डिटेक्शन। अ लैंडस्लाइड डिटेक्शन सिस्टम मेक्स यूज ऑफ वायरलेस सेंसर नेटवर्क टू डिटेक्ट द स्लाइट मूवमेंट्स ऑफ सॉइल एंड चेंजेस इन वेरियस पैरामीटर्स दैट मे ऑकर बिफोर और ड्यूरिंग ए लैंडस्लाइड। थ्रू द डेटा गैदर्ड, इट मे बी पॉसिबल टू नो द ऑकरेंस ऑफ लैंडस्लाइड्स लॉन्ग बिफोर इट एक्चुअली हैपन्स। तो हमें पता है कि लैंडस्लाइड बहुत जगह होता रहता है, तो अगर हम पता करना चाहते हैं कि लैंडस्लाइड तो नहीं हो रहा है कहीं पर, तो वहाँ पर भी हम वायरलेस सेंसर नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं, जो क्या करेंगे, सॉइल में अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट हो रहा है या ऐसे पैरामीटर्स जिनके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि लैंडस्लाइड हो सकता है, तो सेंसर्स ये मेजर कर लेंगे और ये मैसेज जो है बेस स्टेशन को प्रोवाइड करेंगे, जिससे हम पॉसिबल एक्शंस ले सकें, जैसे लोगों को वहाँ से हटा सकें, जिससे उनकी लाइफ को सेव किया जा सके। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग वाटर प्रॉपर्टीज इन डैम्स, रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस, एज वेल एज अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स। द यूज़ ऑफ मैनी वायरलेस डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसर्स इनेबल द क्रिएशन ऑफ ए मोर एक्यूरेट मैप ऑफ द वाटर स्टेटस एंड अलाउज द परमानेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ मॉनिटरिंग स्टेशंस इन लोकेशंस ऑफ डिफरेंट एक्सेस विदाउट द नीड ऑफ मैनुअल डेटा रिट्रीवल। पैरामीटर्स कंसीडर इंक्लूड टेम्परेचर, टर्बिडिटी एंड पीएच। तो यहाँ पर वाटर क्वालिटी की मॉनिटरिंग भी की जाती है कि जो वाटर है वो किस टाइप का है, उसमें कोई ऐसे केमिकल्स तो नहीं है जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ डेंजर में आ सकती है। तो ओशियंस में, रिवर्स में, डैम्स में, अंडरग्राउंड वाटर्स में, इन सब के वाटर को एनालाइज करने के लिए यहाँ पर वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स का यूज़ किया जाता है, जिससे जो है ये
एक्यूरेट स्टेटस, वाटर का स्टेटस प्रोवाइड कर सकें। अगर वाटर में कोई ऐसे केमिकल्स दिख रहे हैं जो ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जा सके। नेक्स्ट इज नेचुरल डिजास्टर प्रिवेंशन। वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स कैन इफेक्टिवली एक्ट टू प्रिवेंट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स। Wireless sensor nodes have successfully been deployed in rivers where the changes of the water levels have to be monitored in real life. तो natural disasters जैसे flood है, इन सबको monitor करने के लिए भी wireless sensor networks का use किया जा सकता है, जिससे water level check की जाए। अगर water level जो है given limit से ज़्यादा हो जाती है, तो इसका मतलब है कि flood आ सकता है। उस situation को face करने के लिए लोगों को तैयार किया जा सके, उनको बचाया जा सके, उसके लिए भी हम वायरलेस सेंसर नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हेल्थ मॉनिटरिंग। वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स कैन बी एम्बेडेड इन ए हॉस्पिटल बिल्डिंग टू ट्रैक एंड मॉनिटर पेशेंट्स एंड ऑल मेडिकल रिसोर्सेज। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ सेंसर्स विच कैन मेजर ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर एंड ECG। तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क को हम हॉस्पिटल बिल्डिंग में इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि वेरियस सेंसर्स को डिफरेंट रूम्स में और पेशेंट्स के रूम में रख सकते हैं, जिससे हम पेशेंट्स को ट्रैक और मॉनिटर कर सकें और साथ ही साथ मेडिकल रिसोर्सेज को भी ट्रैक और मॉनिटर कर सकें। जो सेंसर्स यूज़ होते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क में, उनका काम क्या होता है? ब्लड प्रेशर को मेज़र करना, बॉडी टेम्परेचर, ECG को मॉनिटर करना, ये सब। बॉडी सेंसर नेटवर्क इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ सेंसर नेटवर्क फॉर्म्ड व्हेन द सेंसर्स आर वॉर्न और इम्प्लीमेंटेड फॉर हेल्थ केयर पर्पसेज। इट हेल्प्स कंटिन्यूस एंड एम्बुलेटरी हेल्थ मॉनिटरिंग विथ रियल टाइम अपडेट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स वाया द इंटरनेट। और बॉडी सेंसर नेटवर्क में क्या किया जाता है, पेशेंट्स को या तो सेंसर्स जो हैं वो वियर करवाए जाते हैं या फिर उनके अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं, जिससे क्या होता है उनकी हेल्थ को मॉनिटर किया जा सके। जिससे क्या होता है कि पेशेंट्स का जो डेटा है हेल्थ रिलेटेड, उसका ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, ECG, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इन सेंसर्स के थ्रू इंटरनेट पे जाती है और इंटरनेट के थ्रू क्लाउड पे जाती है और वहाँ पर डेटा स्टोर हो जाता है और उस डेटा को डॉक्टर किसी भी टाइम एक्सेस कर सकता है अपने पेशेंट की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए। और अगर रिक्वायर्ड है उसको, कोई इमरजेंसी है, तो उस केस में वो उसको जाके डायरेक्टली ट्रीट कर सकता है। नेक्स्ट इज ट्रैफिक कंट्रोल। वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स कैन बी यूज फॉर व्हीकल ट्रैफिक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स विल कम्प्लीटली चेंज द लैंडस्केप ऑफ ट्रैफिक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल बाय इंस्टॉलिंग चीप सेंसर नोड्स इन द कार, एट द पार्किंग लॉट्स, अलोंग द रोड साइड। स्ट्रीट लाइन इज ए कंपनी विच यूजेस सेंसर नेटवर्क टेक्नोलॉजी टू हेल्प ड्राइवर्स फाइंड अनऑक्यूपाइड पार्किंग प्लेसेज एंड अवॉइड ट्रैफिक। तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स का हम व्हीकल ट्रैफिक मॉनिटरिंग और कंट्रोल में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर व्हीकल्स में ये सेंसर नोड्स अटैच कर दिए जाएं, तो उससे क्या होगा कि ट्रैफिक को मॉनिटर और कंट्रोल किया जा सकेगा। पार्किंग लॉट में कहाँ पर स्पेस अवेलेबल है, कहाँ पर नहीं है, उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। हर व्हीकल पर सेंसर नोड लगा होगा, तो जिससे ट्रैफिक को कंट्रोल और मॉनिटर किया जा सकेगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। जो स्ट्रीट लाइन कंपनी है वो अपने व्हीकल्स में सेंसर नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज़ करिए, जिससे ड्राइवर्स जो हैं अनऑक्यूपाइड पार्किंग प्लेसेस को इजीली फाइंड आउट कर सकें और ट्रैफिक को अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग। वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स मेक इट इकोनॉमिकली फिजिबल टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ मशीन्स एंड टू इंश्योर सेफ ऑपरेशन बाय एम्बेडिंग सेंसर नोड्स इनटू मशीन्स। तो मशीन्स में भी हम सेंसर नोड्स को यूज़ करके ये पता कर सकते हैं कि मशीन्स जो हैं वो वर्क करने की कंडीशन में हैं कि नहीं, वो सेफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मॉनिटरिंग कोर पोर्शन यूजिंग मैनुअल प्रोसेसेस इज़ एक्सट्रीमली कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग एंड अनरिलायबल। इन नेटवर्क ऑफ वायरलेस कोर्शन सेंसर्स कैन बी इकोनॉमिकली डिप्लॉयड टू रिलायबली आइडेंटिफाई इशूज बिफोर दे बिकम कैटास्ट्रोफिक फेलियर्स। तो अगर हम मैनुअल प्रोसेसेस के थ्रू पता करना चाहें कि मशीन जो सेफली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है कि नहीं, तो उस केस में वो हमें कॉस्टली पड़ता है और टाइम कंज्यूमिंग और अनरिलायबल होता है, मतलब उसमें मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। लेकिन अगर हम वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स के थ्रू हेल्थ ऑफ दी मशीन फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि वो सेफली वर्क कर सकती है कि नहीं, तो इकोनॉमिकली भी होगा हमारे लिए और रिलायबल भी होगा, क्योंकि इसमें एरर्स आने की, मिस्टेक्स होने की चांसेस कम हो सकते हैं, जिससे हम क्रिटिकल कंडीशंस या क्रिटिकल फेलियर से बच सकते हैं, जिससे हम उस इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ की लाइफ को सेव कर सकते हैं।